जब योगी आदित्यनाथ साल 2017 में मुख्यमंत्री बने तब एक अधिकारी ने पहले दिन ही योगी जी से पूछा कि आप कौन सी कार खरीदना चाहते हैं। इस पर योगी जी ने कहा, जो पहले मुख्यमंत्री चलाते थे वही चलाऊंगा, नई कार क्यों खरीदूंगा। इस पर अधिकारी ने कहा, नहीं सर, आपसे पहले जो भी मुख्यमंत्री हुए हैं उन सभी ने नई कारें ही खरीदी हैं, क्योंकि आपके पहले जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने पुरानी कार चलाने से मना कर दिया था और 7 करोड़ रुपए की बुलेट प्रूफ नई कार खरीदी थी। उनसे भी पहले जो मुख्यमंत्री बने थे उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए की नई कार खरीदी थी। यह सुनकर योगी जी बोले, जब हमारे पास पहले से ही कार मौजूद है तो नई कार खरीदने की जरूरत क्या है। अगर आपको मेरे लिए कुछ खरीदना ही है तो 200 रुपए का भगवा टॉवल खरीद कर मेरी सीट पर लगवा दीजिएगा, जो मेरे लिए त्याग का प्रतीक है, और वो मुझे ये याद दिलाता रहेगा कि ये गाड़ी मेरी नहीं है, मैं यहाँ लोगों की सेवा करने के लिए आया हूँ, नई गाड़ी खरीदने के लिए नहीं। गाइस, इसे कहते हैं सच्चा देशभक्त और एक सच्चा नेता जो खुद के लिए नहीं बल्कि जनता के लिए जीता है। आपको योगी जी का ये उदार स्वभाव कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसे गायत्री मंत्र कहते हैं, जिसे सिद्धि मंत्रों में सबसे पावरफुल मंत्र माना जाता है। चलिए इस मंत्र से जुड़े कुछ रोचक तथ्य जानते हैं। दरअसल गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं जो कि 24 शक्तियों और सिद्धियों के प्रतीक हैं। अब जरा कनेक्शन देखिए कि वाल्मीकि की रामायण में भी 24,000 श्लोक हैं, जिसमें हर 1,000 श्लोक के पहले गायत्री मंत्र का ये एक अक्षर आता है। जैसे कि पहले 1,000 श्लोक से पहले ओम आता है, दूसरे 1,000 श्लोक से पहले भूर भव का भू आता है, इसी तरह से 24,000 श्लोक के बीच में गायत्री मंत्र के ये 24 अक्षर आते हैं। और यही वजह है कि गायत्री मंत्र इतना ज्यादा पावरफुल है कि पुराने समय में जो भी लोग इस मंत्र का डेली जाप करते थे वो अपने अंदर एक अलग ही शक्ति महसूस करते थे। वैसे गाइस, क्या आप भी गायत्री मंत्र का जप करते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। 16 साल की उम्र में अपने पहले ही मैच में जब सचिन तेंदुलकर का सामना तब के पाकिस्तान के नामी गेंदबाज से हुआ तो तेंदुलकर ने उस गेंदबाज की ऐसी बखियां उखेड़ी कि पाकिस्तानियों के होश उड़ गए। दरअसल साल 1989 में जब सचिन तेंदुलकर ने इंटरनेशनल मैचेस खेलना शुरू किया तो पहले ही भारत पाकिस्तान मैच में उन्होंने मुश्ताक अहमद को एक छक्का मारा, जिसे देखकर पाकिस्तान के तब के गेंदबाज अब्दुल कादिर ने सचिन से कहा कि मुश्ताक तो बच्चा है, दम है तो मुझे छक्का मार के दिखा। ध्यान रखिए, ये वो समय था जब बड़े बड़े बल्लेबाज अब्दुल कादिर की गेंदबाजी के सामने घुटने टेक देते थे, लेकिन सचिन तेंदुलकर ने अब्दुल कादिर का वो हश्र किया जिसे सुनकर आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट के पहले ही मैच में सचिन तेंदुलकर ने अब्दुल कादिर को एक ही ओवर में 4-4 छक्के जड़े। गाइस, 4-4 छक्के खाने के बाद अब्दुल कादिर को इस गलती का एहसास तो हुआ होगा कि भैया गलत आदमी से पंगा ले लिया। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगली वीडियो में।